हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम एनटीपीसी और एसएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर में जीके की आंसर की आई हुई है, उन आंसर की को हमारे यूट्यूब चैनल पर हम सीरीज वाइज अपलोड कर रहे हैं, जो कि आने वाले आपके सभी एनटीपीसी और एसएससी एग्जामों में काफ़ी इंपोर्टेंट भूमिका निभाएंगे। ये एसएससी सीएचएलएस का एग्जाम हुआ है, जो 15 अक्टूबर 2020 का मॉर्निंग शिफ्ट की जो जीके की आंसर की आई हुई है वो आंसर किए गाइस। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले हमने जितने भी आंसर की आई हुई है एसएससी की, वो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है। अभी तक आपने वो वीडियो जाकर ना देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, ठीक है, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जनवरी 2020 में किसे झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन फोर्थ, रविन्द्रनाथ महतो, जिसे झारखंड विधानसभा में 2020 में अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, जो राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, और जो उपराष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, ये दोनों एक दूसरे को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड सरोजिनी नायडू प्रेसिडेंट अवार्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन? इसमें ये लिखा गया है कि जो सरोजिनी नायडू हैं वो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष किस वर्ष बनी थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, 1925 में। जो 1925 में कांग्रेस का सेशन हुआ था, उस सेशन में पहली भारतीय महिला जो सरोजिनी नायडू थी वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है, पहली महिला भारतीय अध्यक्ष, तो याद रखिए। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर, कथक गीत की एक शैली डस्ट कट्टिका किस राज्य में प्रचलित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, उड़ीसा राज्य में। जो कथक गीत की एक शैली है जिसे डस्ट कट्टिका कहा जाता है, वह उड़ीसा राज्य में काफी प्रचलित एक कथक गीत शैली है, ठीक है गाइस, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, अगस्त 2019 में सब जूनियर बॉयज अंडर 14 श्रेणी में सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का डायमंड जुबली एडिशन किसने जीता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस, जो मिजोरम के सेदान सेकेंडरी स्कूल ने जो अंडर 14 सुब्रतो कप हुआ था फुटबॉल का, उन्होंने डायमंड जुबली का जो एडिशन है वो मिजोरम के सेदान सेकेंडरी स्कूल द्वारा जीता गया था, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, 15 जनवरी 2020 तक की किस देश की क्रिकेट टीम आईसीसी मेंस ओडीआई टीम रैंकिंग में पहले स्थान पर बरकरार है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, इंग्लैंड। जो 15 जनवरी 2020 तक डाटा आया है, उस डाटा के मुताबिक जो पहले स्थान पर है ओडीआई रैंकिंग में वो इंग्लैंड है, ठीक है गाइस, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवीज वॉन द गोल्डन गिला 2020 अवार्ड फॉर बेस्ट मोशन फीचर फिल्म फीचर ड्रामा? इनमें से कौन सी रही है वो? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, 1917, जो बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा की मूवी में 1917 को रखा गया है 2020 में, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, सागौन नीम और शीशम फर्नीचर परिवहन और निर्माण सामग्री बनाने के लिए उपयोगी जैसे सख्त लकड़ी वाले वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जहां पे जो साल सागौन और नीम है जिससे फर्नीचर परिवहन आदि सामग्री बनाई जाती है वो वन उसमें कटी पर्वतीय वन में पाए जाते हैं, ठीक है, वो वृक्ष।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के 91 संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1.5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब कितने संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए उस विधानसभा में सदस्यों की संख्या। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए किसी भी राज्य में। ठीक है गाइस, चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। टू वू डिड महात्मा गांधी गिव द टाइटल दीन बंधु। महात्मा गांधी द्वारा दीन बंधु का टाइटल किसको दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस, जो सीएफ एंडरसन है उसे महात्मा गांधी द्वारा दीन बंधु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये अंग्रेज था सीएफ एंड्रूज। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। हु अमोंग द फॉलोइंग वर आईसीसी वुमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019। इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए, जो एलिस पारी है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की वुमेन खिलाड़ी, उन्हें 2019 में आईसीसी वुमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। ठीक है, एलिस पैरी को, ऑस्ट्रेलिया की एक खिलाड़ी है। ठीक है गाइस, वुमेन खिलाड़ी। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज यूज फॉर ट्रांसपोर्ट इन तिब्बत? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, याक। जो याक एनिमल है उसे ट्रांसपोर्ट किया गया था तिब्बत द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, अब एस ऑफ 15 जनवरी 2020 हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द नंबर ऑन रैंकेड वुमेन टेनिस प्लेयर इन द WTA रैंकिंग्स। इसमें यह लिखा गया है कि 15 जनवरी 2020 तक जो नंबर की रैंकिंग जारी की गई है वुमेन टेनिस प्लेयर के द्वारा, उसमें कौन पहले स्थान पर रहेंगे 2020 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, जो एसले बाटी हैं वो नंबर वन पर रही हैं। ठीक है, वुमेन टेनिस खिलाड़ी के अंतर्गत। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। सॉरी गाइस, आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन है वो ज़्यादातर इंग्लिश में अपडेट हुए हैं नेट पे, तो इन्हें हिंदी में हम ट्रांसफ़र नहीं कर पाए हैं। तो कल की जो शिफ्ट आएगी उसमें हम आपको आपके लिए सारी जो प्रश्न हैं वो हिंदी मीडियम में ले आएंगे। अभी आप इसमें मैनेज कर लीजिए, हम आपको हिंदी भी करके, ठीक है, अब हम आपको हिंदी में भी समझा देंगे इन प्रश्नों का मतलब। हमारा 14वां प्रश्न है, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ कंप्यूटिंग ए वाइट इन इक्वल टू डेज बिट्स। इसमें ये लिखा गया है कि जो एक वाइट होती है वो कितने बिट्स के बराबर होती है। इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए, जो वाइट होती है वो 8 बिट्स के बराबर होती है। ठीक है गाइस, अगला प्रश्न है, द डेज लेयर स्टार्ट ऑफ अर्थ सरफेस एंड एक्सटेंड 8 to 14.5 किलोमीटर हाइट पास टू 9 मिलियन मील्स दिस पार्ट ऑफ द अर्थ एटोस्फियर इन द डिसेंट एंड ऑलमोस्ट ऑल वेदर इज इन द रीजन। इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन ए, जो ट्रांसोस्फियर है वो अर्थ के सरफेस से कम 18 से लेकर 14.5 किलोमीटर हाई पर रहती है और 5 से लेकर 9 मील तक फैली रहती है। ठीक है, जिसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं, क्षोभ मंडल। ठीक है गाइस, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो ब्रक धमनी है वो हृदय से लेकर गुर्दे तक रक्त पहुंचाने का कार्य करती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, ब्रक धमनी। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में गोवा राज्य सरकार द्वारा क्या सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सखी परियोजना प्रारंभ की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस,
जो महिलाओं का स्वास्थ्य और कल्याण के अंतर्गत जो गोवा राज्य की सरकार द्वारा है उन्होंने स्वास्थ्य सखी परियोजना आरंभ की है। ठीक है गाइस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग वन द गोल्डन ग्लोब 2020 अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्शन इन ए मोशन पिक्चर ड्रामा। इनमें से वह कौन से एक्टर हैं जिन्होंने गोल्डन ग्लोब 2020 के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, जो जोनिक फिनिक्स से उन्हें जोकर मूवी के लिए बेस्ट गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए टाइप ऑफ मेमोरी एंड इज स्मॉलर टू रैम। इट इज यूज बाय कंप्यूटर्स टू मूव डाटा बिटवीन द रैम एंड द सीपीयू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, जो कैश डाटा है वो हम रैम तथा जो सबसे छोटी मेमोरी होती है रैम की वो कैच होती है। ठीक है गाइस, जिसे हम रिमूव भी कर सकते हैं सीपीयू और रैम द्वारा, कैच जो रहता है कंप्यूटर का डाटा। ठीक है, चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। टैगोर सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस, जो हिमाचल प्रदेश से भाभा टैगोर सेंटर ऑफ द स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन स्थित है। मतलब हिमाचल प्रदेश में जो कल्चर और सिविलाइजेशन की स्टडी होती है उसका सेंटर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है गाइस, इसमें यह लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट मूवमेंट्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंडियन वाइज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रिवेंशन ऑफ फिलिंग ऑफ ट्रीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, जो चिपको मूवमेंट हुआ था वो पर्यावरण मूवमेंट के एक अंतर्गत एक मूवमेंट था। ठीक है, जिसमें ट्री को बचाने के लिए लोग ट्री से चिपक गए थे, उत्तराखंड में ये मूवमेंट हुआ था। ठीक है, उसमें ये पूछा गया है कि ये कौन सा मूवमेंट था जिसमें इमोशनली ट्री से अटैच हो गए थे लोग, तो वो चिपको मूवमेंट था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, जो RBI ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो भारत में मौद्रिक नीति तैयार करते हैं। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा 24 नंबर का प्रश्न है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST वास वाय पार्लियामेंट वाइन डेस कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 ऑन 8 सितंबर 2016। वो इसमें ये लिखा गया कि GST जो कि पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया था वो कौन से नंबर का एक्ट था, कौन से नंबर के एक्ट में इसे पास किया गया था 8 सितंबर 2016 को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड गाइस, जो 101वां संवैधानिक संशोधन था उस संशोधन में GST को पास किया गया था। ठीक है गाइस, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा लास्ट प्रश्न है, रॉबर्ट की खेतों की मिट्टी रेतीली है, उसके खेत के लिए आदर्श फसल इनमें से कौन सी होगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मक्का गाइस, जो मक्का है वह रॉबर्ट के खेतों की मिट्टी रेतीली। गाइस इस प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है हम कल से देख के बताएंगे। तो हमने आपके सामने जो 24 GK के प्रश्न आए हुए हैं, सॉरी गाइस पर हमसे गलती हो गई है, इसमें आधे प्रश्न इंग्लिश के रह गए हैं, है ना। तो हम आपको जो भी कल की शिफ्ट होगी हम पूरे आपको हिंदी में ला देंगे प्रश्न। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ठीक है गाइस, लव यू ऑल।